खबर शिमला से बता दें, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम और निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप इस दौरान मौजूद रहे। 850 करोड़ का टैक्स का कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया। पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन करेगा परिवहन विभाग। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। समीक्षा बैठक के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, ये साफ किया गया है। साथ ही समीक्षा बैठक के बाद दरअसल डिप्टी सीएम की ओर से इसे लेकर जानकारी दी गई है। तो परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसकी अध्यक्षता की। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान टैक्स कलेक्शन के लिए टारगेट जो है वो तय किया गया है और पिछले सालों के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन का टारगेट तय किया गया है। इसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये भी स्पष्ट किया गया है। 850 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य इस बार निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 21,51,075 गाड़ियां जो हैं रजिस्टर हैं और इनमें से 18,42,854 गाड़ियां जो हैं ये नॉन ट्रांसपोर्ट एरिया की हैं और ट्रांसपोर्ट की 3,08,221 है। यानी कि मोटे तौर पे हिमाचल प्रदेश में इस समय 21,51,25,000 के आसपास गाड़ियां हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं 15,12,848 हैं और बाकी लोगों के बाहर से लाइसेंस बने हुए हैं और प्रदेश में 1,12,750 लेडीज जो हैं लाइसेंस बना चुकी हैं। 1,12,750 जो हैं हमारी लेडीज के पास भी लाइसेंस है और हमने आज जो रिव्यू किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मसले जो हैं हमारे सामने हैं, एक तो आपको मालूम है कि प्रदेश में लंबे अरसा से, काफी सालों से एक माफिया वर्क करता रहा है ट्रांसपोर्ट में, जो कि लगातार प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। एक बार 3 लाख रुपए का अपना टैक्स यूनियन को जमा करवाया और वो हमारे शिमला, मनाली, डलहौजी और जितने भी धर्मशाला, इन एरियाज में जो है लगातार गाड़ियां लेके आ रहे हैं। हमने इस पे काफी वर्क किया था एज ए डिपार्टमेंट और पिछले कैबिनेट में हमने ये फैसला कर दिया है कि ये जो बस आएगी, अगर इन्होंने रोजाना देना है तो इनको 5,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने सप्ताह का देना है तो 25,000 रुपया देना पड़ेगा और अगर इन्होंने महीने का देना है तो इनको 75,000 रुपया देना पड़ेगा और 9 लाख रुपया जो है इनको हिमाचल प्रदेश के टैक्स में जो है देना पड़ेगा। और बहुत लंबे सालों से ये समस्या चल रही थी और इसका हम कानून लेके आ रहे हैं और कानून जो है प्रदेश में जल्द ही लागू हो जाएगा
और इन पे जो है अंकुश जो है लगा दिया जाएगा।